ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में विवाद तब देखने को मिला जब एक पाकिस्तानी समर्थक पाकिस्तान की जर्सी में जोर जोर से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था और एक पुलिस वाले ने आकर उसे रोक लिया। इट इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ लाइन, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे पाकिस्तान फैन, पाकिस्तानी फैन आए हुए हैं, आपने वीजा दिया हुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं, तो कोई बिजनेस ही नहीं है, पुलिस वाले को रोक रहे हैं। बहुत गलत हरकत है, बहुत ज्यादा गलत हरकत। पता नहीं किसने उसको पुलिस वाले को पट्टी पढ़ा के भेजा या क्या रूल। हालांकि पर्सनली मेरा इस टॉपिक को लेकर यह मानना है कि ऑफिसर ने जो किया वो ठीक नहीं था, ठीक नहीं था, ये मेरा अपना मानना है। क्योंकि जिनको भी आपने इजाजत दी है पाकिस्तान को समर्थन करने के लिए, वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे। सो जाहिर सी बात है कि जब वो पाकिस्तान को समर्थन करने के लिए पहुंचे तो वो कोई और नारे क्यों लगाएंगे। हमारी हरकतें ही इतनी भोंडी हैं कि पाकिस्तानी हमारे बारे में बिल्कुल ठीक कहते हैं कि हम लोग ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और हैं। ये बात करने वाला वो शख्स है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिटिक है, या ये कहा जाए कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में नजेबा तरीन बातें करने वाला सुशांत मेहता, वो भी उस बात पर फट पड़ा जो गुज़श्ता रोज स्टेडियम में हुई है। यानी कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले पाकिस्तानी क्रिकेट फैन को पुलिस आकर रोकती है और उसे वार्न करती है कि तुम ये नारे यहाँ पर यानी भारत की सरजमीन पर नहीं लगाओगे। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह की ये हॉस्पिटैलिटी दिखाई जा रही है। हालांकि दुनिया भर में जहां भी किसी भी स्पोर्ट का मैच होता है तो वहां पर दूसरे मुल्क के खिलाड़ी जाकर अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए अपने नारे लगाते हैं, जबकि भारत में पाकिस्तानी ये कुछ नहीं कर सकते। पहले ही गिने चुने फैंस हैं जिनको वीजा मिला है, या फिर जो दूसरे ममालिक के पासपोर्ट पर भारत अपनी टीम को सपोर्ट करने आए हैं, बहुत बड़ी बात है। एक बड़ा खर्चा करके एक उस मुल्क में जहां पर उनकी जान को भी खतरा है, जहां वो पाकिस्तानी टीम की जर्सी पहनकर पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, इस बात से कतई नजर कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस क्या है। लेकिन उस ग्रीन शर्ट को सपोर्ट करने या पाकिस्तान जिंदाबाद की सदा बुलंद करने अगर वो पहुंचे हैं तो भारतीय उन्हें वार्निंग दे रहे हैं। ये तो भला हो उस लड़के का जिसकी बहादुरी ने पूरी पाकिस्तानी कौम का दिल जीता है कि उसने रिटेलिएट किया, साथ वीडियो भी बनवाई और ये भी कहा कि आप अगर भारत जिंदाबाद या वंदे मातरम के नारे लगाएं या भारत माता की जय कहें तो ठीक, क्या पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करूंगा, क्या मैं भारत के नारे लगाऊं। तो वो ढिटाई के साथ वो शख्स कहता है कि हाँ, भारत माता की जय एक अच्छा नारा है, बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद एक गलत नारा है। अब इस पर भारत के बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट अपनी ही नरेंद्र मोदी सरकार पर बोल पड़े हैं। सुशांत मेहता के साथ साथ शुभंकर मिश्रा जो कि एक बड़े सहाफी हैं, उनकी जुबानी भी आपको सुनाएंगे जो कि सारी हकीकतें खोल देगा और किस तरह नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा रूल्स बना रखे हैं और यही एक कड़ी है कि पाकिस्तानी शायकीन को वहां का वीजा नहीं दिया गया। पुलिस मैन स्टॉपिंग अ पाकिस्तानी फैन सेइंग पाकिस्तान जिंदाबाद स्टेडियम, आई कैन सेंड यू द वीडियो इफ यू डोंट बिलीव। आई सॉ इट, माय वीडियो, इट इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ लाइन, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे पाकिस्तान फैन, पाकिस्तानी फैन